कैथल शहर में आम आदमी पार्टी का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ग्राफ। आम आदमी पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आए दिन होती जा रही है ज्वाइनिंग, कोई बीजेपी से आए तो कोई कांग्रेस से, तो कोई नेलो से, तो कोई जजपा से। आप नेता मास्टर सतबीर गोयत के नेतृत्व में हुई आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग, आइए देखते हैं सीधी लाइव तस्वीरें कैथल के आम आदमी पार्टी मास्टर सतबीर गोयत के कार्यालय से। आज आम आदमी पार्टी में बहुत से साथियों ने ज्वाइन किया है, जो आज से पहले अलग अलग पार्टियों में जिनकी आस्था थी और जो जुड़े हुए थे पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से। कुछ साथी ऐसे हैं जो पदाधिकारी भी थे, कुछ जुड़े हुए थे। आज उन सब ने उन पार्टियों को छोड़ के आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीब की सूद लेती है। गरीब को जो चाहिए, गरीब को चाहिए शिक्षा, गरीब को चाहिए इलाज, गरीब को चाहिए रोज़गार, गरीब को चाहिए फ्री बिजली पानी, गरीब को चाहिए महिलाओं का अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा। तो इन सब बातों में विश्वास रखते हुए गरीब ये चाहता है कि आज तक 70 साल में किसी पार्टी ने शिक्षा को संबोधित नहीं किया। नाम के हॉस्पिटल हैं, उनमें डॉक्टर नहीं हैं, इलाज उनमें नहीं है, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमारे इस तरफ पंजाब है, इस तरफ दिल्ली है। पंजाब में जिस तरीके से बच्चों को रोज़गार दिए जा रहे हैं, बिजली पानी वहाँ फ्री है, महिलाओं का सफ़र फ्री है, शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया है, इन सब बातों में विश्वास रखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए आज आम आदमी विशेष नहीं है। विशेष तो दूसरी पार्टियों में जाओ बेशक, हमें आम आदमी चाहिए क्योंकि ये पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। और ये आज इतने सारे वर्कर आम आदमी पार्टी के में आस्था जताते हुए इन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है और अब आने वाले समय में ये दब के पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी हमारे गारंटी कार्ड चले हुए हैं, बिजली गारंटी कार्ड आया हुआ है जिसमें 24 घंटे बिजली, 600 यूनिट 2 महीने की फ्री, किसी का अगर मीटर बिल ना भरने के कारण उखाड़ लिया गया है उनका फ्री में मीटर लगवाएंगे, पिछले सारे बिल माफ़ करेंगे। ये गारंटी कार्ड अब घर घर जा रहा है। इस गारंटी कार्ड ने लोगों में एकदम से इतना जोश भरा है आम आदमी पार्टी के प्रति, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जिन्होंने आम आदमी को कुछ राहत देने की कोशिश की हो। कहते हैं पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो गरीबों के लिए काम करने की सोच रही है, सोच ही नहीं रही, कर रही है। तो आज हमारे बीच में जिन जिन साथियों ने ज्वाइनिंग की है, वकील चंद हैं कैथल सिरटा रोड से, ये कांग्रेस से आए हैं, राजेंद्र जी हैं बीजेपी से आए हैं, विक्रम जी हैं कांग्रेस से आए हैं, पंकज मोंगिया हैं ये भी कांग्रेस से आए हैं, रोहित भारद्वाज कांग्रेस से आए हैं, सत्यवान जांगड़ा ये भी कांग्रेस से आए हैं, गुरप्रीत सिंह ये भी कांग्रेस से आए हैं, प्रिंस नैन ये भी कांग्रेस से आए हैं, संजू नैन ये भी कांग्रेस से आए हैं, हितेश कुतुबपुर है कुलतार है आज कैलरम नहीं काला रमन ये भी कांग्रेस से आए हैं, अरुण नैन ये भी कांग्रेस से आए हैं, विक्रम कैथल कांग्रेस से आए हैं, लक्ष्य नैन कांग्रेस से आए हैं, रोहित कांग्रेस से आए हैं, ये रेणु कैथल ये कांग्रेस से आई हैं, आरती कैथल ये भी कांग्रेस से आई हैं, ललिता कांग्रेस से आई हैं, कमलेश कांग्रेस से आए हैं, गुरप्रीत बीजेपी से आए हैं, सोनू बीजेपी से आए हैं, विजेंदर बेनीवाल ये इनेलो से आए हैं, संदीप ये बीजेपी से आए हैं, आधुविक ये भी बीजेपी से आए हैं, और नवनीत बीजेपी से आए हैं, मन्नू कांग्रेस से आए हैं,
जगवीर कांग्रेस से आए हैं, नारायण दत्त बीजेपी से आए हैं, राजकमल कांग्रेस से आए हैं और विक्रम गिल कांग्रेस से आए हैं और अमृतलाल बीजेपी से आए हैं और मईपाल कांग्रेस से आए हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और लोग ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं। अब यहाँ लगभग दूसरे दिन ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चलेगा क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोगों में आम आदमी पार्टी की नीतियों के प्रति उत्साह बढ़ता जा रहा है और ज्वाइनिंग धड़ाधड़ ज्वाइनिंग हो रही। हमने सारी पार्टियों को देख लिया, एक बार इस पार्टी को भी मौका दे के देख लो, पहली बार आज जोड़ के, लेकिन इतना विश्वास है अपने कामों पर। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हाथ जोड़ के नहीं जाएंगे, दूसरी बार तो ये कहेंगे काम किए हों तो वोट दे देना, अगर नहीं किए हों तो पिछली पार्टियों को दे देना। मैं यहाँ एक स्पेशल एक संदर्भ जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पास में एक पंजाब में गलाड़ी गांव है, गलाड़ी अपनी रिश्तेदारियाँ हैं, वो लोकल गांव है, सरदार नहीं है, मतलब हरियाणा की कल्चर का गांव है, वहाँ पर रिश्तेदारी है हमारी। सवेरे आज मेरी किसी से बात हो रही थी, कहने लगे जी छोटा सा गांव है, दो साल में 300 नौकरियां, दो साल में 300 नौकरियां छोटे से गांव में और पक्की नौकरियां मिल ली। ये कहते हैं कि इस तरह की सरकार हमने आज तक देखी ही नहीं, जहां जिन रजबायों में, मतलब छोटी जो नहर होती है जिसको रजबाया कहते हैं, जिसमें तेल पर पानी तक नहीं पहुंचता था, वो आज फुल चलते हैं, बिजली पानी से लोग सुखी हैं।